स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को हम पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किया है हमने इस एक्सरसाइज को, और इस एक्सरसाइज को हम पार्ट 2 में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करेंगे और सेकेंड पार्ट में 15 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये मैं आपको लिखकर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मेरा मानना है कि मैं आपसे यह भी जानना चाहती हूँ कि इस चैप्टर के बाद मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं, और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं कौन सी एक्सरसाइज पहले कराऊं या कौन सा चैप्टर पहले कराऊं, ठीक है। तो काफी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी इसी वजह से कि मुझे कंफ्यूजन था कि मैं कौन सा चैप्टर चलाऊं कौन सा नहीं चलाऊं। तो मैंने लास्ट में यही डिसीजन किया कि मैं चैप्टर 12 चला देती हूँ। तो अगर आपको जो भी चैप्टर चलवाना है आप मुझे कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, जिस भी चैप्टर के मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उस चैप्टर को स्टार्ट करूंगी। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इन सबको हमें फैक्टराइज करना है। पहले थोड़ा सा फैक्टराइजेशन के बारे में आप जान लीजिए। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। तो दोनों तरीके से आप कोई से भी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो इस प्रकार से है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको समझा देती हूँ। पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × x और प्लस के। इसका फैक्टराइज का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में एक डिजिट को कई पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कि अब 3 को हमने 3x था 3 × x कर दिया, और इसको क्या कर सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं या 2 × 3, बात एक ही है, ठीक है। अब तुम्हें इन आप सभी को इसमें कुछ चीज पॉइंट, इस टर्म में कोई भी एक पॉइंट कॉमन दिखेगा। कॉमन क्या है इसमें, दोनों में यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर क्या बचा x, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और यहां पर क्या बचा 2, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। आप इस मेथड से करेंगे तो थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। और सेकंड मेथड हमारा इस प्रकार से है, सेकंड मेथड जैसे कि यही है, तो हम 3 कॉमन ले लिया, हमें पता है 3 से हमारा 6 भी 2 बार चला जाएगा, तो 3 तो 3 के बाद क्या अच्छा है x, और यहां पर 3 × 2 = 6, तो इसे आप इस तरीके भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगी कि आप फर्स्ट वाले मेथड से करें, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, आप इन टर्म्स को इजीली डिवाइड कर सकेंगे, मेरा मानना ये है। क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और आपकी जैसी इच्छा करें, जैसा आपको इजी लगे आप उस मेथड से करिए, मेरे कहने से मत करिए, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेम, 5 × x × y प्लस के, 5 × 10 कर सकते हैं इसे, 5 × 2 = 10, सॉरी 5 × 2 कर सकते हैं, 5 × 2 = 10। अब देखना इसमें 5 और इसमें 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा यहां से xy, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और यहां पर क्या बचा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, नहीं है ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ओके सेम इसी प्रकार से थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड को भी ऐसे ही तोड़ लेते हैं, डिवाइड टू पार्ट्स में इसे, जितना आप हो सके उतने छोटे पार्ट्स में इसे डिवाइड करिए, 2 × 3 × y × z। अब देखना यहां से क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, 2 लिख दो। अब देखना एक्स यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो एक्स को हम कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन हमारी वही चीज होगी, वही पॉइंट होगा कॉमन जो दोनों में हो। अब देखना एक्स यहां पर तो है लेकिन यहां पर नहीं है, अब इसके बाद क्या है वाई, वाई देखना वाई यहां पर भी और यहां पर भी है, तो वाई भी लिख देंगे। अब देखना जेड बचा, तो जेड दोनों टर्म्स में है, नहीं है तो इसको यही छोड़ देंगे, तो यहां से क्या बचा वाई, और 2 और वाई बाहर आ गए, कॉमन ले लिया हमने, एक्स बचा प्लस, यहां से 3x यहां से क्या बचा 2y, तो 3z,
ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? इसी प्रकार से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो यहां से m इंटू एन प्लस एन इंटू एल प्लस एल इंटू एम इंटू एन। अब देखना, पहले इन तीनों में देखो क्या कॉमन है। तीनों में m देखेंगे पहले, m तो यहां पर है, यहां पर है, लेकिन तीसरी टर्म में नहीं है। तो तीनों जगह नहीं है, तो तीनों जगह n क्या है, कॉमन है। तो m प्लस l, और यहां से m आ गया बाहर, तो l m, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप दोनों तरीके से कोई से भी मेथड से आप कर सकते हैं, जहां भी आपका जो मन करे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो इसे पहले करेंगे 3 इंटू 4, 12 को तोड़ लिया। अब ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए इंटू बी प्लस 5 3 जा 15 या 3 5 जा 15 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। ठीक है, अब देखना यहां से एक तो 3 कॉमन है, तो 3 लिख लो। फिर इसके बाद क्या कॉमन है, ए है यहां पर, ए यहां पर भी है और ए यहां पर भी है। अब बी देखना, बी यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो बी कर देंगे। अब बचा क्या, हाँ क्या बचा, अब जो जो मैंने कॉमन लिए हैं उन पे मैंने टिक कर दिए हैं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा जो भी टर्म बची है उसे लिख दो। देखना एक तो 4 बचा है, तो 4 लिख देंगे। एक ए बची है, ए लिख दो। प्लस यहां से 3 कॉमन है, तो 5 बचा और यहां से एक बी बचा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, तो आप चाहे मैं इसे डायरेक्ट भी कर देती हूं, जैसे कि 5 कॉमन हो जाएगा 3, फिर x और y। तो यहां से क्या बचा, जब ये पूरा ही कॉमन आ गया तो 1 बचा, माइनस के 5 3 जा 15, x बचेगा क्योंकि x ही लिया है, यहां x स्क्वायर है, प्लस 5 4 जा 20 y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, और आप दूसरे मेथड से करें तो इस प्रकार से कर ले, 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस के 5 3 जा 15, एक्स इंटू वाई प्लस के 5 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो यहां से 5 एक्स वाई कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1, माइनस के यहां से 5 और एक एक्स बस, और यहां पर 3 बची गई है, और यहां से 4 और x एक y कॉमन आ गया, तो y। इस तरीके से इसे करना है। कंफर्म है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर। तो क्या आ जाएगा, या इसे ऐसे ही रहने दो, a प्लस 3, और यहां से हम क्या ले ले, माइनस 1 कॉमन ले लूंगी, तो मैं क्या आ जाएगा a, और माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस, प्लस के 3। अब देखना दोनों में कॉमन क्या है, a प्लस 3, a प्लस 3 लिख देंगे। अब जो हमारा बचा है, a बचा है और माइनस है, तो माइनस और 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको करेंगे हम। ठीक है, हमने इसमें 1 कॉमन ले लिया, तो दोनों एक जैसे बन गए। जो एक जैसे बन गए, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, a प्लस 3, तो a प्लस 3 हम पहले लिख देंगे, और जो a माइनस 1 है वो हम बाद में लिखेंगे, जो बची हुई टर्म है। एक बार इससे भी समझ लीजिए इसे। यहां से हम x कॉमन लेंगे, यहां पर हम दो दो के जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, पहले हम इस वाले टर्म में ऐसे ले रहे हैं, तो x बचेगा यहां पर। मैं इसे एक बार लिख देती हूं कि कैसे हम इसे, x इंटू एक्स माइनस के a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स माइनस के a इंटू बी। अब देखना मैं यहां से एक ए एक्स, एक एक्स कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा, एक एक्स बच गया, और यहां से एक्स कॉमन लिया है तो ए बच गया, प्लस के यहां से मैं बी कॉमन ले लूं क्योंकि बी ही दोनों टर्म में है, एक्स माइनस ए। अब देखना दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, एक्स माइनस ए, ये ध्यान रखना है, ये टर्म हमें बार बार रिपीट नहीं करनी है। जो दोनों में दोनों एक जैसी टर्म है उसे दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिख देंगे। तो इसमें से भी हमने इसे कॉमन ले लिया। अब बची क्या टर्म, एक तो ये एक्स बच गई और प्लस है, तो प्लस ये बी बच गया,
ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे भी करते हैं। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इन्हें रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज टर्म। रीअरेंज, ठीक है, रीअरेंज में 5x की 3 माइनस के 5x और माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस 2। इतना क्लियर है कि हमने साइन चेंज नहीं करे हैं, ये ध्यान रखना है। प्लस है, ये प्लस लगा देंगे, ये ध्यान रखना है। सिर्फ हमने टर्म को आगे पीछे किया है, ना कि हमने साइन को चेंज किया है। साइन को चेंज नहीं करना है। साइन कब चेंज होते हैं, जब हम ट्रांसपोजिशन मेथड से दूसरे साइड ले जाते हैं, ठीक है, राइट से लेफ्ट साइड या लेफ्ट से राइट साइड लाते हैं, तब हम जो साइन है हमारे वो चेंज होते हैं। यहां पर हमारे साइन चेंज नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारी एक ही साइड टर्म है पूरी। सिर्फ हमने इनके स्थानों को, जो हमारे प्लेस है, उनको इंटरचेंज किया है, ना कि हमने क्वेश्चन मतलब ट्रांसपोजिशन मेथड से इनको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड लेकर गए हैं। इतना क्लियर है। तो बस अब इसमें से देखना, 5x कॉमन ले लूं मैं तो क्या बचेगा, यहां से एक्स स्क्वायर और प्लस के 1, और यहां से मैं 1 कॉमन ले लूं माइनस के तो क्या बचेगा, सॉरी माइनस के 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस के 1। क्लियर है। अब देखना दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां से 5x माइनस। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आप अगर उसे बार बार खोलकर करना चाहें इसके एक एक टर्म को तो आप कर सकते हैं, मैंने इसे थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। इसी प्रकार से देखना, यहां पर भी हमें चेंज करने की जरूरत है नहीं, यहां से डायरेक्ट कर देंगे। देखना एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या लेंगे, एक्स बचेगा यहां से, एक बार मैं बता देती हूँ, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स इंटू एक्स और प्लस के x और माइनस के 3। तो यहां से x स्क्वायर मैं कॉमन ले दूं तो क्या, क्योंकि 2 दो एक्स यहां भी है यहां भी है, तो x की पावर 2 यहां से x बचेगा माइनस के यहां 3, और यहां से मैं प्लस के 1 कॉमन ले लूं तो यहां से सेम डिजिट बच जाएगी। अब देखना दोनों में टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 3 और यहां से x स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए या नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो बताते हुए चलना है, ताकि जो भी आपको परेशानी आ रही है उसे मैं थोड़ा सॉल्व कर सकूं। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसे हम कैसे करेंगे, इंटरचेंज कर लीजिए या फिर आप इसमें से 2 कॉमन करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं इसे कर देती हूँ आपको, 5 इंटू 2 एक्स इंटू एक्स माइनस के 9 टू जा 18 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस के 7 टू जा 14 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, चार बार एक्स है। तो अब देखना सबसे छोटा एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लेंगे। पहले देखना 2 2 तीनों में है तो 2 कर दिया, अब एक्स स्क्वायर तीनों में आ जाएगा तो यहां से क्या बचा, 5 माइनस, अब यहां से 9 बचा एक तो, और दो एक एक्स बचेगी क्योंकि 2x तो ऑलरेडी ले लिया, प्लस 7 और यहां से 4x थी तो 2x बाहर आ गई तो क्या बचा, 2x बचा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, ठीक है, जहां में इंटरचेंज की जरूरत पड़ेगी वहां इंटरचेंज करेंगे, जहां इंटरचेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां रीअरेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां हमें एक क्वेश्चन में अभी तक जरूरत पड़ी है तो हमने कर दिया है। अभी देखना इस क्वेश्चन में हमें इंटरचेंज की जरूरत है नहीं, अब मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकती हूँ आप चाहें, अगर आप चाहें तो इसे पूरा डिस्क्राइब करके भी कर सकते। 2 इंटू एक्स इंटू बाई प्लस के 2 इंटू बाई प्लस के 3 इंटू एक्स और प्लस 3। अब देखने यहां से दोनों टर्म में क्या है, दो दो टर्म के जोड़ा बना लो, एक दो टर्म की ये होगी और एक दो टर्म ये हो गई, तो इसमें से क्या कॉमन है, 2 और एक बाई, यहां से क्या बचा है x प्लस 1 और यहां से मैं 3 कॉमन ले लूं प्लस के 3
तो यहां से क्या बचेगा x प्लस वन। तो दोनों में दोनों टर्म में कौन सा कॉमन है x माइनस वन सॉरी x प्लस वन और यहां से टू बाई प्लस थ्री यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड लग रही है बहुत ही इजी चैप्टर है आपको मेरा मानना है कि आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ आने वाला ये चैप्टर है। तो आप अगर आपका इसमें इस चैप्टर में क्लास टेस्ट हो रहे हैं या अन्य कोई भी तो आप इसमें बटे के बटे नंबर लेकर आएंगे फुल मार्क्स लेकर आएंगे ये मेरा पूरा ऐसा मेरा मानना है। अगर आप एक बार इन क्वेश्चंस को पकड़ गए तो मेथड पकड़ना है सिर्फ मेथड पकड़ लिया तो क्वेश्चन इजीली से कर पाएंगे आप इजी से ठीक है आसानी से। क्वेश्चन नंबर 13 है इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 में हमें क्या दिया हुआ है अब देखने यहां पर हमें कुछ रीअरेंज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम यहां से देखना a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस के थ्री इंटू ए इंटू एक्स इंटू एक्स और माइनस एक्स और प्लस के थ्री। अब देखने यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं a यहां पर भी है यहां पर भी है तो a अब x स्क्वायर यहां है यहां भी है तो यहां से क्या बचा x माइनस थ्री बच गया और यहां से अगर मैं वन कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा x माइनस के थ्री। अभी आप बोलोगे ये माइनस सी माइनस कैसे हो गया अब देखना अगर मैं इस माइनस वन की अंदर x माइनस थ्री में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा माइनस वन के x में करें तो माइनस और माइनस माइनस प्लस थ्री तो यही तो था यहाँ यही आ गया वापस तो इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। जब हम माइनस यहाँ लेंगे और अगर यहाँ कोई डिजिट माइनस की प्लस की है तो वो माइनस हो गया अगर माइनस की है यहाँ पर और माइनस कॉमन ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी प्लस की। अब दोनों में कॉमन क्या है x माइनस थ्री और a एक्स स्क्वायर माइनस वन ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है तो इससे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के बाई एक्स इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस प्लस माइनस फोर एक्स और प्लस के फोर बाई। अब देखना दो दो हम पॉइंट बना लेते हैं यहां पर ठीक है तो बना लिए यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं x तो यहां से क्या बचेगा एक x बचेगा माइनस के बाई बचेगा। अब यहां से मैं 4 कॉमन ले लूं तो x प्लस माइनस माइनस के बाई तो दोनों में कॉमन क्या है x माइनस बाई और यहां से x माइनस फोर ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से 15 क्वेश्चन है 15 में हमें दिया हुआ है इस प्रकार से ठीक है तो इसे हम क्या कर लेंगे रीअरेंज करेंगे इसे रीअरेंज में 2x माइनस एट बाई माइनस एट एक्स बाई और प्लस के 4 बाई माइनस वन। अब देखने यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो x माइनस के यहां से क्या बचेगा यहां से मैं 2x कॉमन ले लूं तो 1 माइनस के 4 बाई और यहां से मैं प्लस के वन कॉमन ले लूं तो फोर बाई और माइनस के वन ठीक है इतना समझ आया। अब मुझे कैसा बनाना है तो इस वाले को मैं इस तरीके से बना लूं या इस वाले को इस तरीके से बना लूं तो हम क्या करेंगे टू एक्स वन माइनस के फोर बाई अगर मैं यहां माइनस वन कर दूं तो क्या हो जाएगा ये वन माइनस के फोर वाई। अब आप कहोगे कैसे मैम कैसे अब देखना माइनस वन की मैं वन माइनस फोर वाई में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा माइनस के वन 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 जा वन और माइनस माइनस प्लस के फोर वाई तो ये ही तो था हमारे पहले माइनस का वन था ये रहा और प्लस के फोर वाई था तो ये अब ये प्लस का है तो अब मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ इसे फोर वाई माइनस वन तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है साइन चेंज थोड़ी हुई सिर्फ स्थान ही तो चेंज किया है यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है मैंने इसीलिए आपको ये पॉइंट समझा दिए कभी आप कहें कि ये डायरेक्ट कहाँ से आ गई इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी आपको समझा दिया है ठीक है। तो अब हमारा इसमें दोनों में कॉमन क्या है वन माइनस फोर बाई और यहां से टू एक्स माइनस वन ये हमारा आंसर है इस प्रकार से इसे करेंगे।
तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 12.1 यहाँ पर 12.1 का पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।